देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीईटी की परीक्षा में हुई भारी गड़बड़ी के बाद कुलपति नरेंद्र धाकड़ को बर्खास्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने धारा 52 लागू कर दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। डीएवीवी में मंत्री जीतू पटवारी का एक्शन, सीईटी में गड़बड़ी पर लागू की धारा 52। उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपति नरेंद्र धाकड़ को किया बर्खास्त। सीईटी की परीक्षा को लेकर हुए बवाल के बीच आखिरकार उच्च शिक्षा विभाग ने अपना एक्शन दिखा ही दिया। जी हां, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में धारा 52 लागू कर दी है। मंत्री जीतू पटवारी ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए कुप्रबंधन की जांच के दौरान शिकायतों के प्रमाणित पाते ही सख्त कार्रवाई की और कुलपति नरेंद्र धाकड़ को हटा दिया। वहीं इस दौरान विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन भी जारी रहा। नहीं, ठीक ठीक है ना निर्णय, उसमें क्या है, क्योंकि कुलपति जी मनमानी कर रहे थे, विश्वविद्यालय के अधिनियम का पालन नहीं कर रहे थे, तो ये हो नहीं था। आगे आप तो सब राज्यपाल महोदय तय करेंगे जो करना है उनको। धारा 52 तो मध्य प्रदेश राज्य शासन ने लगाया है, और अब जो है जो माननीय राज्यपाल महोदय जिसको मनोनीत करेंगी कुलपति को, वो संभालेंगे। माननीय कुलपति जी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का पालन ही नहीं कर रहे थे ना, अपनी मनमानी कर रहे थे। तो विश्वविद्यालय तो नियम से और एक्ट से चलता है, हर निर्णय में अपनी मनमानी कर रहे थे। नहीं, स्वागत है ना उसका। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ऑनलाइन सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने से सिस्टम फेल हो गया। इसके चलते करीब 1300 छात्रों की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा निरस्त होने से नाराज छात्रों ने हंगामा करते हुए विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने की मांग की थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कुलपति को बर्खास्त कर दिया। वहीं मंत्री पटवारी के एक्शन पर नरेंद्र धाकड़ ने रिएक्शन देते हुए कहा कि शासन का निर्णय मंजूर है, अब जो जैसा सोचे वैसा करें। भाई, जो शासन सर्वोपरि है वो जो सोचे वो सब सही है। मैंने अपनी कोशिश पूरी की विश्वविद्यालय को अच्छा करने की, जो शासन सोचे वो उचित है। मेरे को कहीं निर्णय इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने जब तक काम किया अच्छा काम किया। जो अगले आएंगे वो पूछेंगे तो मैं सुझाव दे दूंगा, नहीं तो कोई सुझाव की आवश्यकता नहीं है। जो आएगा अपने दिमाग से काम करेगा। विरोध करने वाले का विरोध करने का काम है, मेरा काम काम करने का है, मैं काम करूँगा। देखो, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो है आप सब समझते हो, मैं अपना काम अच्छी तरह से कर रहा हूँ। 95% सक्सेस को सक्सेस नहीं बोलेंगे तो क्या 100% सक्सेस होगी? 100% बच्चे सेलेक्ट हो गए परीक्षा दे सके, तो परीक्षा देने उनका ज़रूरी था। और ये जो MSc का था एक्सपेरिमेंट, वो MSc का एक्सपेरिमेंट फिर से कर लेंगे। सभी सामान्य हैं जी। भाई, विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद पर होने के कारण मेरी अपनी जवाबदारी थी, और विश्वविद्यालय को सही चलाना ये मैं अपनी तरफ से जानता था। अचानक कोई चीज़ व्यवस्था में उपयोग नहीं होती है। इंदौर विश्वविद्यालय के कई शिकायतें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लोगों ने लाई थी, आर्थिक अनियमितताएँ, भर्ती प्रोसेस में गड़बड़ियाँ और अन्य और भी, जिनकी जाँच की गई, पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया और 3-4 बार अलग अलग स्केल पे सारी शिकायतों की जांच हुई। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई जिस पे जो एक एग्ज़ाम बच्चों की अनियमितताएं देखी गई, लापरवाही देखी गई, मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान में लिया और ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के पसंद से ही DAVV के नए कुलपति का नाम तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर SP सिंह और प्रोफेसर अशोक शर्मा के नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।